नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। गर्मी के दस्तक देते ही लोगों की जो ठंडे पानी पीने की डिमांड है वो बढ़ जाती है। गला सूखते ही लोग ठंडे पानी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन अभी के बदलते युग में कई लोग ऐसे हैं जो फ्रिज के पानी को पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घड़े का पानी पीना अभी भी पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे लोगों का क्या कहना है जो बिना बिजली के फ्रिज यानी कि घड़े के पानी को कितना पसंद करते हैं। देखिए, फ्रिज और घड़ा दोनों अलग अलग कंपेरिजन होता है। अगर हम फ्रिज लेने जाते हैं तो उसका कॉस्ट अलग आता है, पहला बात तो ये है। सेकंड चीज़ है कि घड़ा का जो कॉस्ट होता है उसका इन द कंपेरिजन ऑफ फ्रिज बहुत कम होता है। दूसरा बात क्वालिटी का करते हैं, फ्रिज का पानी ठंडा होता है इन कंपेरिजन टू घड़ा, ज़्यादा ठंडा होता है वो मानते हैं, लेकिन जो ठंडा किया हुआ जो फ्रिज के द्वारा है उसका टेस्ट करेंगे और जो आप घड़ा के द्वारा जो ठंडा किया हुआ वो टेस्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। फ्रिज का जो टेस्ट होता है टोटली लगेगा कि आपको बनाया हुआ है केमिकल, उस तरह का फील आएगा, लेकिन जो घड़ा का पानी पीजिएगा वो आपको मिट्टी का थोड़ा सा अंश आएगा, उसमें खुशबू आएगा, अलग टेस्ट आता है, थोड़ा सा लगता है कि हम मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उसका पानी पी रहे हैं, धरती माता का पानी पी रहे हैं, तो वो वाला फील आता है। तो हम घड़ा लेने इसीलिए आए हैं, मेरे घर में फ्रिज अवेलेबल है लेकिन हम हमेशा घड़ा का ही पानी पीते हैं। मेरे घर में जितने लोग हैं सब घड़ा का पानी पीना पसंद करते हैं। हाँ, मेरे घर में जो लोग आते हैं जो काम करते हैं वर्कर हैं वो लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग पर्सनली घड़ा का पानी यूज़ करते हैं। मिट्टी का बर्तन जो यूज़ हो रहा है उसमें किसी तरह का वायरस का ये नहीं रहता है कीटाणु, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा और गुणकारी है। इस कारण से इससे एक चीज़ का और भी फायदा होता है, जो गरीब लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें क्या सुविधा होता है कि वो आपका मिट्टी का दो पैसा उससे इनकम हो रहा है जो परिवार चला सकते हैं। गरीब नहीं ले पाते हैं, जो लोग गरीब लोग हैं वो लोग फ्रिज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। 100 रुपया 200 रुपया में पानी ठंडा करके तो मिल रहा है, ठंडा गर्मी के लिए ठंडा पानी की ज़रूरत है तो आप घर का पानी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इससे पानी का जो तापमान है वो जब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ज़्यादा ठंडा पीते हैं तो सर्दी हो जाती है, इसलिए ये ले रहे हैं। और एक फील अच्छा, हर्दी फील आता है, वो सोना महक होता है, वो अच्छा लगता है, इसके लिए ले रहे हैं। अधिकतर लोग अभी फ्रिज को ही ज़्यादा खा करते हैं। हाँ, यहाँ कम मिलता है, पहले रांची में मिलता था ज़्यादा, पहले घड़ा बहुत बिकता था, लेकिन अब अर्बनाइजेशन हो गया है तो अब फ्लैट्स बन गए हैं तो वहाँ वो लोग ये धो के लिए ऊपर ले जाना नहीं चाहते हैं, आरओ लग गया है तो आरओ से निकाले और डाल दिए फ्रिज में। आपको क्या लगता है कि घड़ा ही ज़्यादा बेस्ट होता है? ट्रेडिशनली ये अच्छा है, तो मतलब जो बिना कॉस्ट के ठंडा करना चाहते हैं पानी उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसका एक एप्लीकेशन बहुत अच्छा आया है, वो है मिट्टी कूल का फ्रिज है, बिना बिजली के फ्रिज चलता है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। फ्रिज का आपका सारा कॉस्ट बच जाता है, उसमें पानी भी ठंडा होता है और अंदर आप फल सब्जी भी रख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ना वो ग्रीन प्रोडक्ट के दायरे में आता है और इससे लेने से क्या है कि हम हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो प्रिजर्व हो रहा है, अदरवाइज़ ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे कुछ दिनों में, ये तो इसको हम लोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। इट इज़ अ ग्रीन प्रोडक्ट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है पुअर पीपल के लिए, हम लोगों के लिए, और हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है कल्चर है वो सर्वाइव करता है इससे। देखिए, फ्रिज तो स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है नहीं, और घड़ा का जो ठंडा पानी है वो फ्रिज में नहीं है। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हम लोग को जो मालूम है कि दांत का ये सब प्रॉब्लम होता है, तो घड़े का पानी बिल्कुल सही रहता है। अभी के टाइम में घड़े का जो प्रचलन है वो काफ़ी है। हाँ, घड़े का पानी जो जिसको जानकारी है वो घड़ा का ही पानी पीता है, चाहे वो फ्रिज वाले ही क्यों ना हो, एसी वाले ही क्यों ना हो। फ्रिज का पानी पीने से अगर बाहर से आदमी जाता है तो ज़्यादा ठंडा रहता है, हम लोग घड़ा का पानी शुद्ध पानी रहता है और जो भी बैक्टीरिया रहता है इसमें मर जाते हैं, फ्रिज में नहीं मरते। इससे हाँ घड़े का, क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से आपको देखेगा बाद में डिजीज भी होते रहता है, बहुत सारा दिक्कत प्रॉब्लम फेस करेंगे बाद में चल के, टॉन्सिल बढ़ जाता है, उससे घड़ा का पानी पीजिएगा, नेचुरल रहिएगा। लेकिन अभी के टाइम में बहुत कमी हो रहा है घड़ा लेना। अपना अपना थिंकिंग है, लोग आधुनिक युग में जा रहे हैं, पर हम लोग का है घड़ा बेटर है। घड़ा का यूज करना चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है। घड़ा क्या है, मिट्टी से बना हुआ है, वो जो TDS वाटर का है ये कंट्रोल करता है, अगर मैक्सिमम TDS का जो पानी पीना चाहिए तो अगर ज़्यादा है तो ये ऑब्जर्व कर लेता है और कम है तो TDS बढ़ा भी देता है, ये इसका बेनिफिट है मिट्टी के घड़े का। इसीलिए साइंटिफिक रूप से हम लोग को पहले से ये यूज़ किया जाता है, हमारी परंपरा रही है ये सब यूज करने के लिए, तो हम साइंटिफिक वे में तो नहीं जाते हैं कि क्यों यूज़ कर रहे हैं,
पर हमारे जीवन शैली में इसे डाल दिया गया है बहुत सारी परंपराओं का, जिसका साइंटिफिक रीजन हम नहीं जान रहे पर उसको अनायास ही हम लोग यूज करते हैं। पर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दौर में हम भी बदल रहे हैं और उसका लाभ खोते जा रहे हैं, ना खोएं, इसीलिए ट्रेडिशन को अपनाए रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना लोगों से, अभी भी घड़े का जो डिमांड है वो लोगों के बीच बरकरार है। लोगों का कहना है कि फ्रिज के अकॉर्डिंग घड़े का पानी जो होता है वो काफ़ी शुद्ध होता है और शरीर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। कई गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं, वो घड़े का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए और वो स्वास्थ्य से भी अच्छे रहते हैं। इसीलिए लोगों को घड़े का ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए यूज करना चाहिए। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, मिरर न्यूज़।